जैसाराम परम कल्याणकारी हर तालिका का व्रत करने वाली सभी माताओं बहनों बच्चियों का विशेष अभिनंदन है। अगर आपको व्रत करना है आप कर रही हैं तो कृपया पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा बिना भगाए। दूसरी बात, अगर आपको गणपति स्थापना के लिए ऑनलाइन पंडित जी चाहिए, पुरोहित जी चाहिए अथवा ऑफलाइन चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का सबसे ऊपर लिंक रहेगा, वो आप भरिएगा। उसमें भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे विप्र आपके शहर में अथवा ऑनलाइन प्रोवाइड करा सकूं। अब हम बात करते हैं सच्चे प्रेम के प्रबलतम रूप का जो व्रत है श्री हरितालिका व्रत, उसकी विधि। इस बार जो है 21 अगस्त 2020 को हम लोगों को ये उत्तम मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। इस व्रत में प्रातः पूजन का जो उत्तम समय है 5:40 AM से लेकर के 8:30 AM तक, मतलब प्रातः 5:40 से लेकर के 8:30 के अंदर हमें प्रारंभ कर लेना है। जैसी हमारी स्थिति हो तो प्रयत्न कीजिएगा कि 8:30 के पहले प्रातः का पूजन प्रारंभ हो जाए। किसी कारण से अगर विलंब हो गया तो इसके बाद भी आप कर सकते हैं, निसंकोच शिव जी नाराज नहीं होंगे। पर अगर आप इस समय करेंगे तो स्वयं जो है पूरा वातावरण आपको सहयोग करेगा। सायंकाल पूजा का समय अगर देखा जाए तो रात्रि 7:00 से लेकर के 9:00 तक का उत्तम समय है। इसी के बीच में हमें पूजा प्रारंभ कर लेनी चाहिए, अगर संपन्न हो जाए तो और भी अच्छी बात है। विधि पूर्वक स्वयं हम इस हरतालिका व्रत का पूजा कैसे कर सकें इसके लिए पूरा वीडियो उपलब्ध है। अगर आपने नहीं देखा है इस लिंक को टच करके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस व्रत में विशेष रूप से गणेश जी के साथ में मैया पार्वती और भोलेनाथ की पूजा विधिवत किया जाता है, प्रातः काल में भी और संध्या काल में। इस व्रत को सर्वप्रथम गिरजानंदनी उमा जी ने किया था और उनको इस व्रत के प्रभाव से शिव जी की प्राप्ति हुई थी। इसलिए निश्चय पूर्वक आप लोग भी पूरी श्रद्धा और विश्वास से व्रत कीजिए, निश्चित ही आपको आपके भोलेनाथ भोले बाबा अथवा राम जी के स्वरूप में जो आप जैसा चाहेंगे निश्चित आपके अनुकूल वर की प्राप्ति होगी। जिन माताओं बहनों को पति की प्राप्ति हो चुकी है उनके पति स्वस्थ रहेंगे, वो जीवन पर्यंत जो है सौभाग्यवती रहेंगी। ये व्रत जो है अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। इसीलिए सब काम छोड़ करके हमारे जितने विवाहिता माताएं बहने हैं और अच्छे पति कामना के लिए जो अविवाहित बहने बच्चियां हैं वो लोग भी इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करती हैं। ये व्रत जो है स्पेशली जो विवाहित हो गए हैं उनके कंपल्सरी व्रत में आता है। हालांकि कई जगह आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है ऐसे पोस्ट को ना लाइक कीजिए ना शेयर कीजिए। जिसने आपको भेजा है उसको भी एक मैसेज दे दीजिए कि कृपया इस प्रकार के पोस्ट मुझे मत भेजिए। इस व्रत की विशेष विधि के बारे में चर्चा करते हैं। 21 अगस्त को व्रत प्राप्त हो रहा है, इस बार हस्त नक्षत्र नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, जो प्रभु की इच्छा। तो हमें 20 अगस्त से ही लहसुन प्याज बैगन काना कुंदरू ये सब बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है। 20 को भी प्रयत्न कीजिए कि सूर्यास्त के पहले ही सात्विक भोजन ग्रहण कर लें, समय से सो जाएं ताकि समय से 21 को हम जागरण करके प्रातः उठ करके भोले बाबा की माँ पार्वती गणेश जी के साथ में अच्छी तरह सेवा कर सकें। इसके साथ में प्रातः जब स्नान करेंगे तो ना तो मंजन ना तो ब्रश का प्रयोग करेंगे, गर्म पानी से आप गरारा करके अथवा उंगलियों के प्रयोग से मुंह को साफ कर सकती हैं। एक बात और, 20 को जब रात्रि में सोइएगा तो सोने के पहले एक बार ब्रश कर लीजिएगा और भी अच्छा रहेगा। यही नहीं, साबुन तेल बॉडी वॉश स्प्रे इत्यादि कृत्रिम किसी भी सामान का प्रयोग हमें नहीं करना है। मेहंदी वगैरह भी लगानी है आपको अथवा बाहर जाके लगवानी है तो एक दिन पहले ही आप लगवा लें, ये उचित होगा, क्योंकि जो लिक्विड मेहंदी मिलती है उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। आप प्रयत्न कीजिए कि उस दिन आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े।
आज के वातावरण में सैनिटाइजर का भी बहुत प्रयोग हो रहा है। हाथ धोने के लिए भी साबुन का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग ना करना पड़े, इससे 100% बचिए। उससे हमारा इतना पवित्र व्रत जो है अशुद्ध हो सकता है। यही नहीं, बाजार हम सभी पर हावी है, दूसरों के दिखावे में मत जाइए। कौन ब्यूटी पार्लर जा रही है, कौन कहाँ जा रही है, इससे हमको मतलब नहीं है। स्वयं आप विचार कीजिए, इतना पवित्रतम व्रत है, आपने श्रद्धा विश्वास पूर्वक रखा है, निर्जला हैं आप, और ब्यूटी पार्लर में जाकर के जय जय सियाराम सब गड़बड़ हो जाता है। स्वयं में भी जो है, स्पेशली जो लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, अथवा लिक्विड आलता है, रंग लगाइएगा, इसका प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि इस सब में केमिकल के साथ में अल्कोहल की मात्रा होती है, इससे हमारा व्रत अपवित्र भंग हो जाता है। इस व्रत की सर्वोत्तम विधि यही होती है कि प्रातः जगने से लेकर के अगले दिन पर्यंत पूजा करने तक हमें निर्जला रखना चाहिए। जैसे कि 21 अगस्त को व्रत है, तो 20 अगस्त की रात्रि में चाहे जितना जल पी करके हम सो गए, उसके बाद अगर हम प्रातः उठते हैं, एक बार आप 2-2.5 बजे रात में जग गए तो बात अलग है, नींद लग गई, उसके बाद आप प्रातः 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, आप 6 बजे भी जगे, तो उसके बाद जगने के साथ ही जल ग्रहण नहीं करना है। पूरा दिन जाएगा, पूरी रात्रि जाएगी, रात्रि के बाद जब प्रातः आप उठेंगी, स्नान इत्यादि करके पुनः शिव पार्वती गणेश जी का पूजा करके और जो कुछ भोग है उनको अर्पण करके उसके बाद में उस प्रसाद से अपने व्रत को पूर्ण करेंगे, जिसको कई जगह तोड़ना भी कहते हैं। अगर आप भगवान न करे शारीरिक रूप से किसी रूप में परेशान हैं कि बिना जल का काम नहीं हो सकता है, तो प्रयत्न कीजिए, एक बार लीजिए, और नहीं हो सकता है 2 बार लीजिए, और नहीं हो सकता है 3 बार लीजिए। शरीर का भी रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन ये निष्ठा का व्रत है, हम प्रयत्न करेंगे, मन में सोच लेंगे तो अवश्य हो सकता है। इस व्रत में रात्रि जागरण का भी बड़ा महत्व है, मिलजुल करके भजन संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण कीजिएगा। आपके रात्रि जागरण में अगर नींद आने लगे तेज से, तो इस लिंक को टच करके नॉन स्टॉप एक बहुत ही आनंदकारी भजन है, जिसको आप सुनते रहेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और निंदिया महारानी भी चली जाएंगे, और प्रातः आप 2-2.5 बजे भी स्नान करके तैयारी करके भगवान की पूजा करके शीघ्र पारण कर सकती हैं। जो भी बच्चियां, बहनें, माताएं, देवियां व्रत कर रही हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोले बाबा हमारे राम जी आपके व्रत को अच्छी तरह संपन्न करें और उसका फल आपको प्राप्त हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। कुछ संदेह होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। और अगर अभी तक आप चैनल को क्या बोलते हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जरा दूसरों को भी बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए आपस में, अपने परिवार को समृद्ध कीजिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सियाराम। ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले, 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 राम बोले।